हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, हमारे पास जो फर्स्ट राउंड की एमसीसी की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। लेकिन अब फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो तो फिनिश हो चुकी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी कि सेकेंड राउंड के अंदर जो हमने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है या फिर अपग्रेडेशन जो हमारी है वो कैसे होगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करते टाइम बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जो जिनके वजह से उनके हाथ से फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ होता है वो भी निकल जाता है, जो सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होना है वो भी नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें फर्स्ट राउंड के अंदर तो कॉलेज अलॉट हो गया सिंपली है, ऐसे सेकंड राउंड के अंदर भी जो है वो हमारी मनपसंद का जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई कैसे करना है, प्लस साथ में कौन कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखना है। अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करोगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत परेशानी का जो सामना वो करना पड़ सकता है। प्लस थर्ड, इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सेकंड राउंड के अंदर उन्हें किन किन बातों का जो अब ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चलती है कि अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि उधर राउंड वन की काउंसलिंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ स्टेट्स के रिजल्ट आने अभी पेंडिंग है। क्या हमें स्टेट से अच्छा कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है? क्या ऑल इंडिया से कॉलेज तो हमें अलॉट हो चुका है, हम जाके एडमिशन भी ले आए हैं, एडमिशन लेने के साथ साथ हम नॉर्थ सेंटर में ये भी बोल आए हैं कि हम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो प्लस क्या हमारे पास जो स्टेट से हमारे पास कॉलेज अलॉट होगा, तो अगर वो कॉलेज से स्टेट अलॉट होता है तो क्या हम वो एक्सेप्ट करें, या फिर अगर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राउंड वन की। अब राउंड वन में एक्चुअल में होता क्या है, राउंड वन के अंदर हमारे पास क्या होता है, राउंड वन के अंदर हमें क्या होता है, कॉलेज अलॉट होता है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर ली, एडमिशन ले ली, लेकिन हम वहां जाके बोला है कि हमने अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अपग्रेडेशन के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको किस में मौका मिलेगा, यहाँ पे अब मौका मिलेगा किसके लिए, राउंड टू की चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करोगे अब राउंड टू की, तो यहाँ पे जो बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं राउंड टू की, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन इन्हीं मिस्टेक की वजह से उनके हाथ से राउंड वन का जो कॉलेज है वो भी निकल जाता है और राउंड टू का जो कॉलेज है वो भी जो है उससे हाथ धो बैठे। मैं आपको विद एग्जाम्पल भी समझाऊंगा तो आपको टेंशन मत लो, लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक से चॉइस फिलिंग की। जो चॉइस फिलिंग क्या होती है, जब जैसे आप राउंड टू की चॉइस फिलिंग करोगे तो राउंड टू की चॉइस फिलिंग का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा कि राउंड टू के अंदर आपको जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, लेकिन इस चॉइस फिलिंग को आपने करना कैसे है, पहले इस चीज को समझो कि ये चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग करते टाइम मान लो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड वन का, राउंड वन का जो कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, अब राउंड टू के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पे तो सेम चॉइस फिलिंग चलती है कि वहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम ऑल इंडिया जितनी अपनी काउंसलिंग होती है या मैक्सिमम स्टेट ऐसी हैं जिसके अंदर राउंड टू के अंदर जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड टू की जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें आप कॉलेजेस को जो है शफल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब दोबारा से फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी कैसे। राउंड वन के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लो वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है 10th नंबर पे, मान लो वो कॉलेज अलॉट हुआ था आपको 10th नंबर वाला, तो यहां से आपने क्या करना है, ऊपर के 1, 2, 3, 5 यानी कि आप ऐसे कह लो कि इससे बेटर, जितने भी इससे बेटर कॉलेजेस हैं, बेटर कॉलेजेस जो आपको लगते हैं कि इस ये कॉलेज जो है वो इससे बेटर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बेटर कॉलेजेस में जाना चाहते हो तभी आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अदरवाइज जो बच्चों को लगता है कि जो उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रही है जिन्होंने उनके लिए वही बेटर है, तो उनको अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं है, बात समझे। तो अब जो बच्चे लगता है कि हमें बेटर कॉलेज चाहिए तो वो तभी वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मान लो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 10th नंबर वाला हुआ था, तो इससे जितने भी बेटर कॉलेजेस हैं सारे के सारे जो बेटर कॉलेजेस हैं वो आपने सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए टॉप पे रखने हैं, यानी कि सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले आपने उन कॉलेजेस को डालना है, उसके बाद आप कोई अदर कॉलेजेस को डाल सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो टॉप कॉलेजेस हैं इस कॉलेज अलॉट होने से, मतलब मान लीजिए ये वाला जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको 10th नंबर वाला, और बाकी जितने भी अभी आप फिल करने वाले हैं राउंड टू के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर, वो सारे कॉलेजेस इससे बेटर हैं, वो सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो आपने सबसे ऊपर टॉप के अंदर जो है वो फिल
करने हैं। तो देखो भाई, चॉइस फिलिंग तो हर बच्चे को करनी है, चाहे आपने एडमिशन ले ली है राउंड वन के अंदर तब भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने फ्री एग्जिट कर दिया है तब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और जो बच्चे इन्होंने राउंड वन की काउंसलिंग की नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं राउंड टू के अंदर, चॉइस फिलिंग उनको भी करनी पड़ेगी। यानी कि चॉइस फिलिंग के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, चॉइस फिलिंग हर बच्चे को है वो करनी ही करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होता है, जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया है, ठीक है, उनके लिए एग्जांपल दे देता हूं। जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया राउंड वन के अंदर, अब उनके माइंड में क्या होगा कि सर मुझे राउंड वन के अंदर एडमिशन मिल गया, मैंने ये कॉलेज के अंदर यानी कि एडमिशन ले ली है, लेकिन अभी मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो वो बेस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने बेटर कॉलेजेस का ऑप्शन जो है वो सबसे ऊपर रखना है। अब आपके लिए वो बेटर कॉलेजेस है कौन से, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपको 10th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, ऊपर वाले जितने भी 9 कॉलेजेस हैं, ठीक है, एक तो वो बेटर हैं, ठीक है, तभी आपको 10th नंबर वाला अलॉट हुआ है। प्लस आपने कोई भी जो लिस्ट बनाई होगी अपने 10 कॉलेजेस की, 20 कॉलेजेस की, 50 कॉलेजेस की, ठीक है, वो जो लगता है आपके हिसाब से वो बेस्ट है, जिसमें आपका कोई ड्रीम कॉलेज भी हो सकता है, आपके कोई नजदीक वाला भी हो सकता है, आपकी स्टेट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट है। तो उस हिसाब से अपने कॉलेजेस की क्या करते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, पहले नंबर पे रख लिए कि ये भाई ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, मुझे जो ड्रीम कॉलेज है मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। दूसरे नंबर पे आपको लगता है ये मेरी स्टेट का सबसे बेस्ट कॉलेज है, उसको सबसे टॉप पे रखिए। तीसरे नंबर पे आप रखिए कि आपको कोई जैसे कजन पढ़ रहा है, उसको लगता है, उसने आपको बताया कि भाई ये कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसको तीसरे नंबर पे रखिए। तो इस हिसाब से जितने भी आपके बेस्ट कॉलेजेस आपको अपने हिसाब से लगते हैं, आपको उतने जितने भी कॉलेजेस लगते हैं, चाहे वो 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, उनको सबसे आपने क्या रखना है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया उनको सबको आपको क्या रखना है, टॉप पे जो है वो रखना ही रखना है। तो अब इससे होगा क्या, तो अगर आपको लगता है कि मुझे आपने ऐसे लिस्ट बना रही, तो अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो आपको ये सेकंड का मिल जाएगा, सेकंड का नहीं मिला तो थर्ड का मिल जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो सारे के सारे बेटर कॉलेजेस है ना, फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड मिल जाएगा, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी लिस्ट जो आपने बेटर कॉलेजेस की जो बनानी है, इस हिसाब से आपने जो उसको चॉइस फिलिंग के अंदर डालना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है कि यूपी का बच्चा है, ठीक है, तो यूपी के बच्चे के अंदर क्या हुआ था, मैं आपको इस चीज का एग्जांपल देता हूँ। उसने जब राउंड वन की चॉइस फिलिंग की थी, ये 2-3 साल पहले का केस है, ठीक है, अब उसने समझना, आपने गलती नहीं करनी है ये, तो उसने क्या किया था, उसको राउंड वन के अंदर जो है कॉलेज अलॉट हो गया था, राउंड वन के अंदर जो है उसको कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया था, उसको कॉलेज अलॉट हुआ था 8th नंबर वाला उसको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, एडमिशन ली, एडमिशन लेने के बाद वहां जाके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे उसके जो है राउंड टू की जो है चॉइस फिलिंग शुरू होगी, राउंड टू की जो चॉइस फिलिंग शुरू होगी। अब राउंड टू के अंदर चॉइस फिलिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे राउंड टू के अंदर क्या हुआ, यूपी के अंदर वहां की जो कट ऑफ है वो बढ़ गई, राउंड टू के अंदर क्या हुआ, कट ऑफ जो है वो इंक्रीज चली गई, कट ऑफ क्या चली गई, इंक्रीज चली गई, कट ऑफ इंक्रीज। अब लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, बात ये समझो कि उसने क्या हुआ कि मान लो उसने जो 8th नंबर का कॉलेज था वो तो उसने भरना ही नहीं था, क्योंकि अगर उसको भरना भी था वो लास्ट में भरेगा, क्योंकि दोबारा से अगर वही कॉलेज को ऊपर भर देगा तो सेकंड राउंड में उसको वही कॉलेज अलॉट हो जाता, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो 8th नंबर, वैसे कुछ स्टेट से में ये भी रूल होता है कि जो एक कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है उसको आप नहीं भर सकते, वो आपको लास्ट में भरना है, ठीक है। वैसे बच्चों के माइंड में भी चलता है यार ये कॉलेज तो मुझे पहले अलॉट हो चुका है तो मैं इसको ऊपर क्यों रखूंगा, मैं इसको थोड़ा नीचे करके डालता हूं। तो उसने क्या किया, ये 8th नंबर के कॉलेज को क्या कर दिया, वहां से हटा दिया, हटाने के बाद उसने उसको कर दिया लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको अलॉट हो चुका था, उसे ये कॉलेज चाहिए नहीं था, तब उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उधर से कट ऑफ क्या चलेगी, इंक्रीज चलेगी। अब उसे सेम टू सेम उसने वही चॉइस फिलिंग कर दी जो राउंड वन के अंदर की थी, बस 8th नंबर का कॉलेज वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। जो ऊपर के 7 कॉलेज थे वो तो हाई कट ऑफ वाले थे, वो तो उसे राउंड वन में भी नहीं मिले, राउंड टू में भी नहीं मिले, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज होगी तो क्या हुआ, 8th नंबर का कॉलेज उसने यहां से रिमूव कर दिया था, तो उसको बाद में राउंड टू के अंदर 15th नंबर वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया, 15th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, क्योंकि क्या हुआ 8th नंबर वाला उसने कॉलेज भरा नहीं था, तो कट ऑफ क्या चलेगी, इंक्रीज चलेगी, तो सेकंड राउंड के अंदर सीधा उसे 8th नंबर से कौन से नंबर वाला कॉलेज मिल गया, 15th नंबर वाला कॉलेज मिल गया। तो जिसकी वजह से वो यहां से लिख देता हूं, वो 8th नंबर से कहां पे चला गया, सीधा
15th नंबर पे चला गया। अब यूपी के अंदर ये रूल है कि राउंड टू के अंदर अगर आपको कॉलेज जो अलॉट हो गया, ठीक है, आपको वहीं पे जो है वो सीट लेनी पड़ेगी, आप मोपअप राउंड के अंदर नहीं जा सकते। तो आप देखो उस बच्चे ने क्या गलती की यहाँ पे, जबकि उसको मैंने बोला था कि बेटर कॉलेज आपने अपने हिसाब से भरने हैं, उसने बेटर कॉलेज नहीं भरे, उसने सेम टू सेम लिस्ट रख दी, ठीक है, बस एड्स को रिमूव कर दिया, उसके हिसाब से उसने बोला ये बेस्ट है, उधर से कट ऑफ इंक्रीज चलेगी, इंक्रीज आने की वजह से उसको सीधा एड्स से कहां पे शफल कर दिया गया, 15th नंबर पे, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो 8th नंबर वाला कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा था, तभी वो 8th नंबर पे उसको मिला ना, अब 8th से जो 15th नंबर में मिल रहा है वो थोड़ा सा डाउन तो होगा ना, तो उसको जो 15th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, मोपअप राउंड में जा नहीं सकते, सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो वहीं पे आपको जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आती कि हम जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया, अच्छे से समझा भी दिया है कि आपको जो आपके हिसाब से जो बेटर कॉलेजेस है 1, 2, 3, 4, 5 उस हिसाब से आपने उसकी लिस्ट जो है वो बनानी, कि मुझे पहले नंबर वाला बेटर कॉलेज अलॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाला हो जाए, तीसरे वाला हो जाए, चौथे वाला हो जाए, तो अगर इस हिसाब से सेम टू सेम रख दोगे, ठीक है, कई बार कट ऑफ आपकी इंक्रीज भी जा सकती है राउंड टू के अंदर, तो ऊपर वाले कॉलेज की वजह जो आपको मिला है तो आपको नीचे वाले कॉलेज भी जो है वो मिल सकते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखा जाए तो यहाँ पे देखो 8 से वो कहाँ पे चला गया, 15 नंबर पे चला गया, तो ये अपग्रेड नहीं है, ये डाउनग्रेड है, ठीक है, तो इस तरह की आप गलती ना करें कि आप अपग्रेड से कहाँ पे चले जाओ, डाउनग्रेड के अंदर चले जाओ, क्योंकि ये सारा जो काम है वो सिस्टम करता है, सॉफ्टवेयर करता है, सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता था, उसके हिसाब से ये आपने भरा हुआ है, 15 नंबर वाला कॉलेज आपके हिसाब से बेस्ट है, उसने आपको अलॉट कर दिया, लो भाई आपने जो कॉलेज फिल किया था वो बेस्ट है, वो आपको अलॉट हो सकता है, तो लीजिए आप अपने कॉलेज को जाके वहां पे एडमिशन ले लीजिए। तो इस तरह की गलतियां आपने नहीं करनी है, और अगर आपने माइंड में ये भी चीज नहीं सोचनी है कि मेरा जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा लो है, मुझे ये कॉलेज नहीं अलॉट हो सकता, इसकी रेंज बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, वो आप सब आपको नहीं पता, ठीक है ना, आपने अपनी उसको चॉइस फिलिंग के अंदर डालना ही डालना है, वो सब काम जो है वो सिस्टम का देखना है कि वहां पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब जो है वो सिस्टम ने काम करना है, आप अपने माइंड से मत पूछिए कि ये कॉलेज मुझे अलॉट होगा या ये नहीं होगा, अगर आपके हिसाब से वो कॉलेज बेस्ट है तो आप उसको क्या कर सकते हो, टॉप के ऊपर डाल सकते हो, बाकी सिस्टम देखेगा कि कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, आप अपने हिसाब से मत सोचिए कि ये रेंज हाई है या बहुत ऊंचा है, मेरा स्कोर लो है, ऐसा वैसा कुछ भी आपने नहीं सोचना है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ आ गया होगा, इसी तरह से आप अपने जो है स्टेट की काउंसलिंग के अंदर ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते टाइम, और इसी तरह से आपने ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग अगर राउंड टू की अब जो करनी है चॉइस फिलिंग, उसके अंदर भी इन सब चीज़ों का जो है वो अब ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ आ गया होगा, सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स नीट के रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, सारी की सारी आपको हमारे चैनल पर इसी तरह मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।